हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो लोगों को बहुत पसंद आती है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ सीताफल रबड़ी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी बनकर रेडी होती है। एक बार इसे आपने घर पे बना लिया तो बाहर से लाना बंद कर देंगे, इतना अच्छा बनता है। तो एक बार इसे जरूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सीताफल और उसके पल्प को अलग कर लिया है। सीताफल का जो पल्प होता है उसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट कुछ ट्रिक से आप इसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, उसके नीचे एक बोल रखा है और स्ट्रेनर पे मैंने यहाँ पे सारे पल्प डाल दिए हैं और उसे चम्मच से या फिर आपके पास विस्क होगा उससे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो जो पल्प है वो अलग हो जाएगा सीड से। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई हैंड चॉपर है तो उसमें डालकर चॉप करेंगे तो इजीली आपके जो सीड है वो पल्प से निकल जाते हैं। तो ये ट्रिक्स हैं जिससे आप सीताफल के पल्प इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सीताफल का पल्प बना लिया है मैंने, रेडी हो गया है। इसे अपने आप में ही ये बहुत मीठा होता है, इससे आप आइसक्रीम बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ रबड़ी बना रही हूँ, तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। रबड़ी के लिए यहाँ पे एक पैन लिया है और 1.5 लीटर दूध डाला है पैन में। दूध फुल फैट क्रीम होना चाहिए जिससे रबड़ी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे आप फुल फैट क्रीम ही लीजिएगा और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। और इसमें जब अच्छे से बॉईल आ जाए तो मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगी केसर, इससे इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है, साथ ही जो केसर का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे इसे बॉईल होने देंगे थोड़ा, और जब ये बॉईल होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से केसर की वजह से, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। और यहाँ पे मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और यहाँ पे मिल्क मेड डाल रही हूँ मैं। आप इसके जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने चीनी की जगह पे मिल्क मेड डाला है, इससे जो दूध होता है वो काफ़ी थिक हो जाता है। और इसे आप स्किप भी कर सकते हैं चीनी का इस्तेमाल करके। उसके बाद जब दूध आपका आधा हो जाए तब आप जब मलाइयाँ पड़ने लगे ना तो आप मलाइयों को इस तरह से साइड करते जाएं, जितनी भी मलाइयाँ पड़ती जाएंगी इस तरह से आप स्पैचुला से या स्पून से ऐसे साइड करते जाएं। तो मलाइयाँ जो ये हम साइड कर रहे हैं ना, बाद में यही लच्छेदार रबड़ी बनाती हैं। तो इस तरह से जो मलाइयाँ आती जाएंगी इस तरह से साइड करते जाएंगे, या तो आप इस तरह से पैन में इसको स्टिक कर दें या उसे एक साइड कर दें। और जब दूध एकदम से थिक हो जाए ना, उसके बाद इन मलाइयों को स्क्रेप करके निकाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो रबड़ी जो है ना वो एकदम लच्छेदार और दानेदार इस तरह से गाढ़ी सी रेडी हो जाती है। बस रबड़ी को इसी स्टेज पे हमें बंद करना होगा, वरना ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा अगर ड्राई किया तो ड्राई हो जाती है। तो इसी स्टेज पे आपको रबड़ी को बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ एक मिट्टी के पॉट में। इसमें ये काफ़ी अच्छा लगता है, मैं बनारस में गई थी तो वहाँ पे मुझे ये मिट्टी के पॉट में मिला था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे रबड़ी डालने के बाद 1/4 कप मैंने यहाँ पे जो कस्टर्ड एप्पल का पल्प है वो डाला है और थोड़ी से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाला है। इसे गार्निश करेंगे चॉप ड्राई फ्रूट से और सैफ्रॉन से। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये बहुत ही दानेदार और लच्छेदार रबड़ी जो बनकर रेडी है और इसका जो स्वाद है वो डबल हो गया है सीताफल डालने से। तो ये देखिए, ये हमारी जो रबड़ी है ये पूरी तरह से रेडी है और इसे मैं मिट्टी के प्लेट में भी सर्व कर रही हूँ। जब मैं मथुरा गई थी तो वहाँ पे रबड़ी इस तरह से मिट्टी के प्लेट पे सर्व किया जा रहा था, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने भी इसे मिट्टी के प्लेट पे सर्व किया है। और गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स से और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो से और सैफ्रॉन से। और ये जो मेरी रबड़ी है सीताफल रबड़ी वो बनकर रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताना। और जो हमारी जो रबड़ी है एकदम से दानेदार और एकदम से लच्छेदार बनकर रेडी है, एक बार इसे आप जरूर ट्राई करना। आप यकीन मानो दोबारा कभी भी बाहर से नहीं खाएंगे, घर में ही इतनी इजीली ये बनकर रेडी हो जाता है। तो इसका जो टेक्सचर है, इसका जो दानेदार और लच्छेदार रबड़ी बना है, ये देखिए बिल्कुल भी ऐसा ही रबड़ी आप बना सकते हैं घर पर। तो चलिए मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।